क्या ज्यादा मीठा खाने से आपके दाने निकलने लगते हैं? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। हमें सेहत पर मेल आया उदिता का, दिल्ली की रहने वाली है। उन्हें मीठा खाना तो बहुत पसंद है, पेस्ट्रीज, केक्स, चॉकलेट्स, उन्हें ये सब खाना बहुत अच्छा लगता है। लंच हो या डिनर, खाने के बाद उन्हें मीठा खाना ही होता है। अब कुछ समय से वो नोटिस कर रही हैं कि मीठा खाने के कुछ समय बाद उनके दाने निकलने लगते हैं। उदिता को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या मीठा खाने की वजह से हो रहा है, इसलिए वो चाहती हैं कि हम अपने शो पर इस बारे में बात करें, डॉक्टर से पूछकर बताएं कि क्या मीठा खाने से दाने निकलते हैं, अगर हाँ तो क्यों और इसका तोड़ क्या है। सुनिए। तो हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि ये बात सही है और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुरंत पता चलता है, जैसे अगर उन्होंने कुछ हफ्ते कुछ दिनों तक मीठा ज्यादा खाया है तो उन्हें पता चलता है कि उनकी चमड़ी जो है वो ज्यादा तेली हो गई है, ऑयली हो गई है, पिंपल्स निकलने लगे हैं। वो सीधा इसको रिलेट कर सकते हैं कि मीठा खाने से उनके पिंपल्स निकलते हैं। काफी लोग होते हैं वो जो ये फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं चलता है पर उनके डाइट में, उनके खाने में मीठा जो है, शुगर जो है, कहीं ना कहीं से आ रहा है। जब हम उनसे बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ, इनकी जो डाइट है, इनका जो खान पान है, इसमें रेगुलर बेसिस पे मीठा या शुगर इनटेक जो है वो दिखाई पड़ रहा है। इसका ये कारण है कि इससे 2 से 3 चीजें कम से कम हमारे शरीर पर इफेक्ट होती है। जैसे अगर हम मीठा ज्यादा खाते हैं, शुगर ज्यादा खाते हैं, तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे इंसुलिन कहा जाता है। आप सबने इंसुलिन सुना होगा, ये डायबिटीज के रिलेशन में काफी यूज होता है। तो इंसुलिन की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है, क्योंकि जितना आप मीठा खाओगे उतना जो शुगर है, जो मीठा है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। और ये इंसुलिन रिलीज करने के चक्कर में इसकी वजह से दूसरे हॉर्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जिसे कहा जाता है, वो इंक्रीज होता है बॉडी में। और इसके इंक्रीज होने से इसका असर सीधा स्किन के जो ग्लैंड्स होते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स होते हैं, स्किन में एक तरह के ग्लैंड्स होते हैं अपनी स्किन में, जिसे ऑयल ग्लैंड्स हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, सेबेशियस ग्लैंड्स, तो उसके अंदर से ऑयल ज्यादा सिक्रीट होने लगता है, सीबम ज्यादा सिक्रीट होने लगता है और पिंपल्स आने लगते हैं। दूसरी बात ये कि इंसुलिन जितना शरीर में ज्यादा होगा उतना इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब कि शरीर के अंदर जो सेल्स हैं हमारे, जो स्किन के अंदर जो सेल्स हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी के डिफेंस सेल्स होते हैं वो ओवर एक्टिव होने की वजह से स्किन में इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन ये सब शुरू हो जाता है। इसकी वजह से पिंपल्स आने लगते हैं, दाने आने लगते हैं। तो ये 2 मेजर कारण है जिसकी वजह से शुगर खाने से हमारी बॉडी में पिंपल्स बढ़ते हैं। और इसके और भी इफेक्ट्स होते हैं, पिगमेंटेशन होने लगता है, मोटापा बढ़ता है, ये सब चीजें भी इंसुलिन बढ़ने से होती है। देखो, अगर शुगर हम बिल्कुल छोड़ देंगे तो फिर तो मजा ही क्या रहा जिंदगी में, है ना। खाने में एक हमारे इंडियन कल्चर में स्पेशली ऐसा है कि खाने के बाद एक मीठा तो चाहिए, ऐसे होता है। तो ऐसा अगर है और आपको अगर प्रॉब्लम है, इस चीज की समस्या है, तो हम इसका जो निजात है वो कैसे कर सकते हैं। अगर आपको मीठा खाने की इच्छा होती है तो हफ्ते में एक आध दिन ठीक है अगर आप मीठा खाना चाहें, लेकिन डेली बेसिस पे ये नहीं हो सकता। अगर आपको खाना है तो आप नेचुरल फ्रूट्स खा सकते हैं, जो नेचुरल फ्रूट्स में जो शुगर, फलों में जो शुगर होता है उससे नुकसान नहीं होता, वो आप खा सकते हैं, वो बॉडी आसानी से डाइजेस्ट करता है। और कुछ ऐसे चीज़ें जिसको खाने से हमारी बॉडी की क्रेविंग्स कम होती है, जैसे होल वीट हो गया, सीरियल्स हो गए, और वीट हो गया, बार्ली, ज्वार, ये सब चीज़ें जो होती हैं इससे फाइबर मिलता है, ये चीज़ों से बॉडी को फाइबर मिलता है। नट्स हो गए, काजू बादाम, ये सब जो है नट्स जिसे कहते हैं, इससे बॉडी को फाइबर मिलता है। तो हाई फाइबर खाने से भी जो मीठा खाने की जो ये है क्रेविंग जिसे कहते हैं वो कम हो जाती है। तो ये हम कुछ चीजें कर सकते हैं, पानी ज्यादा पिए, जितना हो सकता है उतना पिए, ये सब चीजों से काफी आराम मिलेगा। देखिए, ये तो पता चल गया कि वाकई मीठा खाने से दाने निकलते हैं,
पर सारी बातों की एक बात, इंसान मीठा खाना तो नहीं छोड़ सकता, एकदम तो नहीं छोड़ सकता। तो जैसे डॉक्टर ने बताया, मीठा लिमिट में खाइए, फल ज़्यादा खाइए और हाई फाइबर डाइट लीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो क्या करना चाहिए। कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। अब इसका इलाज क्या है ये बताया डॉक्टर नीलम बैनर्जी ने। अधिकतर महिलाओं में डिलीवरी के बाद ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल होने लगता है, मगर कभी कभी एक दो महीने भी ले लेता है नॉर्मल होने के लिए। तो फिर डिलीवरी के बाद इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा वेट गेन ना हो, खाने में नमक कम रखें, बहुत ज़्यादा ऑयली और फ्राइड खाना अवॉइड करिए। पोस्टपार्टम पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी के बाद नियमित रूप से एक्सरसाइज करिए, पर अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई है तो डॉक्टर को तुरंत बताइए। अगर ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयाँ दी गई हैं तो नियमित रूप से उन्हें लेते रहिए, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। रेस्ट करते समय अपने लेफ्ट साइड पर लेटिए। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है और साथ ही दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं तो काफ़ी केसेस में समय से पहले डिलीवरी करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अपने डॉक्टर के साथ संपर्क में रहिए और प्रेगनेंसी के दौरान अपने ब्लड प्रेशर पर ज़रूर नज़र रखिए। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी छक्कासी हेल्थ टिप। अगर तेल इस्तेमाल करने के बाद उसे अगली बार के लिए बचा कर रख लेते हैं तो ये टिप आपके लिए है। हम लोग अक्सर खाना बनाने के लिए जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसे सहज कर रख लेते हैं कि भाई अगली बार भी ये इस्तेमाल हो जाएगा। ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर मेधा कपूर ने एक टिप दी है, एक ही तेल को बार बार गर्म करके इस्तेमाल करने से बचें। अगर आप एक या दो बार इस्तेमाल किए गए तेल को फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक खास टिप का ध्यान रखना होगा। जब यूज़ किया हुआ तेल ठंडा हो जाए तो उसे छान लीजिए और इसके बाद इस तेल को किसी एयरटाइट डब्बे में भर कर रखिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।